नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के जगजीवन नगर में और हम एक दिव्यांग बच्चों के स्कूल में यहाँ आए हैं जिसका नाम है पहला कदम। और हम यहाँ अंदर जाकर स्कूल की प्रिंसिपल से बात करेंगे और जानेंगे स्कूल में कैसी कैसी फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए निर्धारित की गई है। और हम प्रिंसिपल से ये भी जानेंगे कि उन्हें कौन सी ऐसी प्रेरणा मिली जिससे उन्होंने बच्चों दिव्यांग बच्चों के लिए ऐसी पहल करने की सोची। हम स्कूल के अंदर आ चुके हैं और हम अब प्रिंसिपल मैम से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें वो उन्होंने क्या ऐसा सोचकर इन दिव्यांग बच्चों के लिए ये स्कूल खोला। आइए जानते हैं। मैम आप बताइए, आपने ऐसा क्या सोचा, आप ऐसे क्या ख्याल आपका आया मन में जिससे सोचकर आपने स्कूल खोलने का सोचा, दिव्यांग बच्चों के लिए इतना अच्छा कदम उठाया आपने? मेरे एक्चुअली 99 में मेरी मैरिज हुई थी और 2001 में मेरा सेकंड बेटा जो है वो मेरा डाउन सिंड्रोम है, मतलब स्पेशल चाइल्ड है। जब वो हुआ तो एक पेरेंट्स के लिए चैलेंज ही रहता है कि उसको किसी भी तरीके से हम ठीक कर ले। मैंने भी एज ए पेरेंट्स पूरी दुनिया घूमी और उसके बाद लास्ट में समझ में आया कि अल्टीमेटली इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है पूरे वर्ल्ड में। अगर कुछ है तो वो एक ही है कि इसका ट्रेनिंग, कोई स्पेशल स्कूल हो, स्पेशल ट्रेनिंग हो, स्पेशल एडुकेटर हो, हर तरीके की थेरेपीज हो, बस ये अवेलेबल करवाने के लिए हिसाब से मैंने अपने घर से ही चालू किया था आज से 10-11 साल पहले इस प्रोजेक्ट को, जब दो ही बच्चे थे हमारे पास में। धीरे धीरे बच्चे में डेवलप होता गया, मेरा भी ये एक फैशन बन गया और उस दिन से ये एक सपना हो गया कि नहीं, अपने शहर के अंदर में एक अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए। और मैंने उस दिन से ही इस प्रोजेक्ट में अपनी पूरी ज़िंदगी को ये कर दिया, डिवोट कर दिया कि नहीं एक अच्छा चीज़ करना है। लोगों का भी साथ मिलता चला गया और उस समय से लेके आज तक के पीरियड में 150 से करीब ज़्यादा बच्चे हैं अपने पास में, हर डिजेबिलिटी के बच्चे हैं, 3 साल से लेके ओवर एज तक बच्चे हैं, 35 साल 40 साल तक के भी हैं। हम लोग आइडल ट्रेनिंग से लेके एजुकेशन हो गया, थेरेपीज हो गई, उसकी बच्चे 20 साल 18 साल बाद हमारे क्या करेंगे, उसके स्किल डेवलप पे भी हमने काफ़ी काम यहाँ स्टार्ट कर दिया कि बच्चे अगर यहाँ पे आ गए तो उनके भविष्य के बारे में उस पेरेंट्स को, इस बच्चे को सोचना नहीं पड़े। वो कम्प्लीट 8 घंटा 6 घंटा अपना वो मतलब एक्सपेंस करके और कुछ पैसे भी कमा सके, इस तरीके की व्यवस्था हमने पहला कदम स्कूल में कर दी। पहला कदम स्कूल PWD एक्ट में रजिस्टर्ड है, नेशनल ट्रस्ट में है, नीति आयोग में रजिस्टर्ड है, ATG 2LA, यहाँ तक कि लोकल लेवल कमेटी में भी पहला कदम ही है। हर रजिस्ट्रेशन से हम लोग अभी तक कंप्लीट है, हालांकि गवर्नमेंट का भी आश्वासन है हमारे साथ में, मे बी बहुत जल्दी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा इस चीज़ को, लेकिन अभी प्रेजेंट में हमारे पास गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। और भारत कुकिंग कॉल लिमिटेड की तरफ से जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं वो जगह मिल गई है, जो हम लोग तहे दिल से उनका हमेशा धन्यवाद देते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने सोचा और ये जगह हमें उपलब्ध करवाई। और मैम स्कूल का पूरा खर्च एक मंथ का कितना आता है? ये अप्रोच हम लोग बता नहीं पाते हैं इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जिसको हमारा जो टीचर्स है, टीचर सैलरी हो गया, रनिंग खर्चा हमारा, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा हो गया, बच्चों की यूनिफॉर्म्स हो गए, स्टेशनरीज हो गए, थेरेपीज हो गए, फूडिंग्स हो गए, हमारा तो सारा कुछ हमारा ही प्रोवाइड है। तो इसमें मान लीजिए हम लोग समाज के 20 लोगों को इसके अंदर जोड़े तो कोई लोग फूडिंग का कर रहे हैं 4 लोग मिलके, तो कोई ट्रांसपोर्टिंग का कर दे रहे, कोई 2 ऐसा कर दे रहे, इस तरीके से एग्जैक्टली हमारे पास में खर्चा नहीं आ पाता। बट नॉर्मली आप जान के चलिए एक बच्चे पे करीबन 2.5 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा एकदम हाई। और लगभग अभी कितने बच्चे यहाँ अच्छे थोड़े बहुत ठीक हो गए, जितना डिसेबिलिटी रहता है उनमें? अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और कोविड में आप आए हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, तो आप जब कोविड ख़त्म हो जाती है स्कूल चालू होगी, जब आप देखेंगे इन बच्चों को तो आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि आप स्पेशल बच्चों के साथ बैठे हैं, क्योंकि वो आफ्टरऑल जितने भी ट्रेनिंग ले लेने के बाद वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेवियर करते हैं, एक नॉर्मल बच्चे की तरह रहते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे। वो हर काम कर पाते हैं, चाहे वो हमारा स्पोर्ट्स में हो या एजुकेशन में हो, सिंगिंग में हो या एग्रीकल्चर में हो, या क्या बोलते हैं डांसिंग में हो, क्राफ्ट में हो, किसी भी चीज़ में, हर क्षेत्र में पहला कदम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पे प्राइज ला चुका है और हर बच्चे अपने अपने हुनर के हिसाब से किसी न किसी क्षेत्र में आगे है। तो हम लोग कंपेयर नहीं कर पाते कि वो कितना ठीक होया,
बस ये ज़रूर बताएंगे कि हर बच्चा ठीक हो सकता है, सिर्फ कोशिश हम लोगों को और ख़ास करके उस पेरेंट्स को ज़रूर करना चाहिए जिसके पास ऐसे बच्चे हैं। हम मीडिया के माध्यम से ये ज़रूर संदेश देंगे कि आप किसी के पास में भी अगर स्पेशल बच्चा है तो आप मायूस नहीं हो, क्योंकि जब अगर एक जानवर के बच्चों को आप सिखा के इंसान बना सकते हैं तो एक इंसान के बच्चों को सिखा के आप इंसान बनाना कोई मुश्किल नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। इसलिए मायूस नहीं हो और उस पर ज़रूर काम करें अपने बच्चे पे और उसको एक सामान्य बच्चे की तरह बनाने की कोशिश करें। अब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि स्कूल में किस किस चीज़ की फैसिलिटी यहाँ रखी गई है, आइए हम जानते हैं। तो आप बताइए यहाँ ये सब बच्चों के लिए किस जगह कैसा जगह है बताइए। मैडम ये तो बच्चों लोग के लिए प्लेग्राउंड है, प्रेयर भी यहाँ पे होता है। अच्छा। और बच्चों लोग का स्पोर्ट्स भी होता है और कोई प्रोग्राम वगैरह जब होता है प्रोग्राम वगैरह भी होता है तो यहीं पे होता है। और हमारा ये स्टेज है, स्टेज पे बच्चों लोग का डांस परफॉर्मेंस भी होता है, नाटक का भी प्रोग्राम होता है बच्चों लोग का, कोई कंपटीशन हुआ तो यहाँ पे हुआ, ये दोनों ब्लॉक मिला के हम लोग का होता है। अच्छा अच्छा। और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है यहाँ स्कूल में, आप हाँ, हमें दिखाइए। हाँ मैम आइए दिखा रहे हैं। ये स्टेज है, स्टेज पे भी हम लोग का प्रोग्राम वगैरह होता है, जैसे कोई कंपटीशन हुआ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का है, हम लोग का स्टेज पे हुआ, कोई गेस्ट आते हैं तो वो भी स्टेज पे होता है। और ये जो यहाँ सब सर्टिफिकेट और ये सब फोटोज हैं इसके बारे में ज़रा बताइए। हाँ मैम ये सब मैडम सभी के पास में गई हुई हैं, जैसे वो फर्स्ट फोटो हम लोग का हो गया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, इनके पास भी मैडम गई हुई हैं, सिर्फ स्कूल का ही पर्पज़ पे कि स्कूल को किस तरह से डेवलपमेंट किया जाएगा, बच्चों लोग का किस तरह से डेवलपमेंट होगा, सिर्फ उसी पर्पज़ पे मैडम सभी जगह गई हुई हैं। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ झारखंड, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ झारखंड, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग, स्टेट कमिश्नर फॉर डिजेबिलिटीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धनबाद पी एन सिंह सर जो हैं, और भी हैं वहाँ भी है एमएलए धनबाद भी जो हैं सर वो भी हमारे स्कूल में विजिट किए हुए हैं, एमएलए झरिया के जो पूर्णिमा मैम हैं वो भी हमारे स्कूल में हैं आए हुए हैं, बच्चों लोग का एक्टिविटीज़ भी देखे हैं, और एमएलए टुंडी वाले जो सर हैं सर भी आए हुए हैं, हमेशा यहाँ पे सब कोई आते ही रहते हैं देखने के लिए कि क्या क्या हम लोग करवाते हैं बच्चों लोग को। और ये कौन सा रूम है? ये हमारा मैम ग्रुप हेयरिंग एड मशीन का रूम है, यहाँ पे ये हमारा मशीन है, इसमें इससे ये कंट्रोल होता है, पांच मशीन है ये हमारा, ठीक है ना, पांच मशीन में एक मशीन में हमारा दो बच्चे बैठते हैं जो सुन नहीं पाते हैं विदाउट मशीन का, बोल नहीं पाते हैं, तो ये मशीन लगने के बाद उनका कान में लगाने के बाद इसमें दो है तो एक बच्चा ये दूसरा बच्चा के लिए है। अच्छा, इसमें दोनों अलग अलग ही होता है, ठीक है ना, ये देखिए एक मशीन में दो बच्चा लगाएगा, ये दो कान में है ये दो कान में, इससे क्या होता है हमारे स्पीच थेरेपी सर आते हैं वो उनको इससे बच्चा सुन पाता है, तो जब वो सुनेगा तब वो कुछ कुछ बोलेगा। तो ये मतलब उसके लिए जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं? हाँ जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं सुन नहीं पाते हैं तो उनके लिए ये मशीन के द्वारा वो सुनता है। अच्छा। तो इससे उनको बोलने का ट्रेनिंग दिया जाता है। और अंदर अंदर लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी है स्पेशल बुक्स की, यहाँ पे बच्चों लोग को ये सब भी ट्रेनिंग दिया जाता है, जो भी बच्चे पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और ये हमारा एग्रीकल्चर है, जो 18 साल के ऊपर के बच्चे हैं उन लोगों को ये हम लोग करवा रहे हैं, अभी ट्रेनिंग ये चल रही है बच्चों लोग का 18 तो इसकी क्या खासियत है? इसमें मैडम वो गेहूँ उपजाने का होता है। अच्छा। इस तरह से क्योंकि जगह तो इधर हम लोग का बहुत सारा है और हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि वो भी कुछ करे, है ना, तो इससे वो गेहूं को उपजा सकता है, ये हाइड्रोलिक सिस्टम हो गया ना उपजाने का। और यहाँ पे सर आते हैं, एक फिजियो सर आते हैं सेंट्रल हॉस्पिटल से, जैन सर हैं, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं सारा चीज़ सारा सामान जितने भी फिजियो सेंटर में होते हैं सामान वो लगभग में सारे हमारे पास में हैं। और यहाँ पे जेंट्स लोग का होता है, जो बच्चे लोग हैं लड़के लोग हैं उन लोगों का यहाँ पे होता है, सेंट्रल हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब आते हैं। और ये अंदर का भी ये फिजियो रूम ही है, जैसे बाहर का जो हम आपको अभी बताएं कि वो जेंट्स लोग का हो गया। अच्छा। जो बॉयज लोग हैं। हाँ, हाँ। और अंदर में गर्ल्स लोग का हो गया, और हमारे फिजियोथेरेपिस्ट भी दो आते हैं, एक जेंट्स आते हैं और एक लेडीज मैम आती हैं।
फिजियोथेरेपी में बेसिकली किया क्या जाता है, मतलब बच्चों का? फिजियोथेरेपी है ये, फिजियोथेरेपी में बेसिकली मैम कि जो सीपी बच्चे होते हैं जो खड़ा नहीं हो पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं प्रॉपर तरीके से, और उनको सपोर्ट का जरूरत पड़ता है, उनको खड़ा करने के लिए भी एक आदमी चाहिए, बैठाने के लिए भी, अगर वो बैठा दी तो वो गिर जाता है, तो उसका क्या कुछ नस वगैरह प्रॉब्लम होता है उसमें, तो जिसके कारण हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाते हैं, जिसके कारण वो ट्रेनिंग जो होता है एक्सरसाइज वगैरह बच्चों उन लोगों का होता है, तब वो प्रॉपर तरीके से ठीक होते हैं धीरे धीरे। और ये भी स्पीच ट्रेनर है मैम, इससे भी क्या है कि जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं सुन नहीं पाते हैं, तो उनको यहाँ से सेट करके उनको जिस लेवल तक वो सुन पाएंगे तो उस लेवल में ये सेट करके उनको बोलने के लिए सिखाया जाता है, इसी के बच्चों लोग के लिए। हाँ ये अपना HI क्लास रूम है ना, HI क्लास, जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं सुन नहीं सकते हैं उनको हम लोग साइन लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ाते हैं। अच्छा यहाँ पे हमारा साइन लैंग्वेज का एक चार्ट भी लगी हुई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ए किस तरह से होता है, बी किस तरह से होता है, सी किस तरह से होता है, पूरा A to Z इसमें है मैम। और क ख का भी होता है, 1 2 3 का भी होता है, और हमारे सारे क्लासेस में स्मार्ट टीवी भी लगी हुई है, ये अपना स्मार्ट टीवी हो गई मैम, इसमें ऑनलाइन क्लासेस वगैरह या ऑनलाइन स्टडी ये दोनों चीज़ इसमें होता है, तो ये सारे क्लासेस में लगी हुई है, ये HI क्लासेस में, MR क्लासेस में, जितने भी क्लासेस हम लोग का चलता है वो सारे क्लासेस में स्मार्ट टीवी लगी हुई है। ये अपना MR क्लासेस में जो बच्चे का IQ लेवल कम होता है, मेंटल रिटार्डेशन बच्चे जो होते हैं उन लोगों का यहाँ पर ट्रेनिंग चलता है, ये छोटे बच्चे का हो गए, और अंदर में भी MR क्लासेस है, यहाँ पे बड़े बच्चों का ट्रेनिंग होता है। यहाँ पे बड़े बच्चों का ट्रेनिंग होता है, MR बच्चों का। और हमारे स्कूल में इंटर्नशिप भी होता है मैम बाहर वाले बच्चों लोग का, तो इंटर्नशिप का ये सब प्रोजेक्ट वर्क है, जो इंटर्नशिप करने के लिए आते हैं उन लोगों से हम लोग प्रोजेक्ट वर्क बनाते हैं, तो इंटर्नशिप जो करने के लिए हमारे स्कूल में आते हैं वो इंटर्नशिप का स्टडी भी यहाँ पे बच्चों लोगों को करवाया जाता है, जो बड़े बच्चे होते हैं मैट्रिक पास या इंटर पास जो भी हो गए उन लोगों को प्रोजेक्ट मिलता है कि आप किसी NGO से इंटर्नशिप करके सर्टिफिकेट लेके आइए, तो हम लोग इंटर्नशिप के साथ साथ में उन लोगों का वो प्रैक्टिकल भी हम लोग करवाते हैं। और ये अपना मैम स्पीच थेरेपी रूम है, यहाँ पे सर आते हैं वीकली 1 डे आते हैं, और ये स्पीच थेरेपी मशीन है, और इससे भी बच्चों का जो पावर होता है सुनने का वो चेक किया जाता है, और फिर हम लोग रेड क्रॉस के द्वारा उन लोगों को मशीन प्रोवाइड करवाते हैं। बिहेवियर एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्लासरूम है जिसमें छोटे बच्चों को हम लोग ये सब चीज़ सिखाते हैं, जैसे शर्ट का बटन लगाना हो गया, लैपटॉप मोबाइल चलाना हो गया, कैलकुलेटर यूज करना हो गया, जैसे रूम में अगर बंद हो गया तो उसको किस तरह से खोल के निकालना पड़ता है, क्योंकि हमारे ये स्पेशल बच्चे जो होते हैं मैम उन लोगों को हर चीज़ सिखाना पड़ता है, और हर चीज़ सिखाने का टाइम टेकन होता है, क्योंकि ये स्पेशल बच्चे जो होते हैं वो तुरंत कुछ भी नहीं सीखते हैं, उनको कोई भी चीज़ सिखाने के लिए मिनिमम 2 मंथ्स का टाइम चाहिए। बल्ब लगाना हुआ, कैसे स्विच को ऑन ऑफ किया जाता है, शूज का लेस बांधना हो गया, ये सब सारे मैम हम लोग ये सब करवाते हैं, फिर हमारे गेम्स वगैरह IQ लेवल बढ़ाने के लिए ये सब गेम्स हम लोग करवाते हैं, बहुत सारे गेम्स भी हम लोग रखे हुए हैं बच्चों लोग के लिए ही हैं, वो सब करवाते हैं, प्लस हमारे स्कूल के बच्चे मैम बाहर बाहर भी स्पोर्ट्स में भी जाते हैं, और इस ये ओलंपिक्स में भी हम लोगों के बच्चे पार्टिसिपेट किए हुए हैं, ये सब सारे क्रिकेट से स्पोर्ट्स का मटेरियल हो गया है। और हमारा ब्लाइंड बच्चों का टेबल मैम, ये ब्लाइंड बच्चों का स्लेट हो गया, ये कॉपी हो गया मैम, इसमें बच्चे पेपर रख के लिखना लिखते हैं है ना, और ये सब ब्लाइंड बच्चों का, हमारे स्कूल में ब्लाइंड टीचर भी हैं जिन जो मतलब पूरा पढ़ाई करके आए हुए हैं ब्रेल लिपि का, तो ब्लाइंड बच्चों को ब्रेल लिपि के ही माध्यम से हम लोग पढ़ाते हैं उनको। और हमारे ये सिर्फ ये म्यूजिक का पार्ट हो गया, म्यूजिक भी, म्यूजिक टीचर भी आते हैं हमारे स्कूल में, और बच्चों लोग को म्यूजिक, डांस, क्राफ्ट, और हमारे स्कूल में जो 18 साल से ऊपर की लड़कियां हैं उन लोगों को सिलाई मशीन का ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो लोग भी स्वावलंबन बने, अपने अपनों पैर पे खड़ा हो, उसके लिए ये सब सिलाई मशीन का ट्रेनिंग देते हैं,
ब्लॉक बाय ब्लॉक हम लोग बच्चे बैठाते हैं क्योंकि अभी तो कोरोना का टाइम है, अभी तो उसको खुली खुली भी नहीं है, लेकिन सेपरेट करके हम लोग ब्लॉक बाय ब्लॉक हर ब्लॉक पे एक एक टीचर और एक आयर आती है। मशीन है जो हमारे स्कूल के 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं उन लोगों को हम लोग स्वावलंबन बनाने के लिए पेपर प्लेट की मशीन लगाए हैं। दो पेपर प्लेट की मशीन है और एक हाइड्रोलिक मशीन है। इस पेपर प्लेट की मशीन में ये सर डोंगल निकलता है जिसको हम लोग मार्केट में सेल करके बच्चों लोगों को जो भी होता है उन लोगों का उसको पर डे के हिसाब से हम लोग देते हैं कि उन लोगों का भी पेरेंट्स खुश हो कि हाँ हमारा बच्चा जो है वो भी कुछ काम का है। तो ये मतलब बच्चे सिर्फ सीखते हैं यहाँ पे बनाना कि या ये बेचना भी होता है? ये 18 साल के ऊपर के लड़कों के लिए है। अच्छा। और सिलाई मशीन जो अपना था वो 18 साल के ऊपर की लड़की के लिए। अच्छा। और ये हाइड्रोलिक मशीन है, इसमें भी एक साथ में ये 10-10 प्लेट निकलता है, इस तरह का ये कटिंग पेपर भी आता है जिसको ये डिजाइन के साथ में प्लेट बनाता है इस तरह का। ये मार्केट में हम लोग सेल करते हैं, जो भी ये सब का इनकम होता है वो बच्चों को देते हैं। माल ये सब जो मटेरियल था हटा के बाकी जो बचा वो बच्चों में हम लोग देते हैं। अच्छा। वीकली जो भी प्रॉफिट होता है हम लोग का वो बच्चों को। ये मैम बच्चों लोग को ही ट्रेनिंग दिया जाता है, ये आप जो भी देख रहे हैं ये सब बच्चों लोग से ही हम लोग करवाते हैं। अच्छा। और इसका जो हम लोगों का किचन जो है हम लोग जो फूडिंग होता है वो यहीं से जो भी हम लोग का उपजता है मैम, इसी का सब्जी बन गया जो भी होता है वो स्कूल कहीं। और ये कितने साल के बच्चों को सिखाया जाता है ये सब्जी? हम लोग 18 साल के ऊपर के ही बच्चों को ये सब करवाते हैं। अच्छा अच्छा। और छोटे बच्चे जो है उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, या 18 साल के ऊपर के बच्चे जो भी हैं उन लोगों को ये सब सिखाते हैं कि वो लोग घर पे भी ये सब कुछ कुछ अपना कर सकता है। सिर्फ हो गया धनिया पत्ता, गोभी, लाल साग, गाजर, बैंगन, टमाटर। अच्छा, सारा कुछ है। ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं मैम जो हम लोग अपनी तरफ से बच्चों लोग को या बच्चों लोग को पेरेंट्स को देते हैं, जैसे अवेयरनेस हो गया, जागरूक करना पेरेंट्स को, अर्ली इंटरवेंशंस, बिहेवियर थेरेपी, एडियल ट्रेनिंग, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और अदर एक्टिविटीज़ में हम लोग मैम बच्चों लोग को डांसिंग, सिंगिंग, क्राफ्ट, कंप्यूटर, प्रिंटिंग, प्ले, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल एक्टिविटीज़ ये सब हम लोग करवाते हैं। और ये गवर्नमेंट फैसिलिटीज कुछ हैं जो हम लोग उन लोगों को बताते हैं और दिलवाते हैं, जैसे आधार कार्ड, हम लोग कैंप लगवाते हैं यहाँ पे, हम लोग को स्कूल में ही कैंप लगता है मैम, आधार कार्ड बनवा देते हैं बच्चों लोग को, निरामया हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। और ये हमारा नेशनल ट्रस्ट में भी हम लोगों का स्कूल रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो जिसके माध्यम से हम लोग निरामया जो है वो हम लोग अपने स्कूल से ही करते हैं बच्चों लोग का। UDID कार्ड भी हम लोग करते हैं, बैंक अकाउंट खुलवा देते हैं, डिजेबल सर्टिफिकेट बनवाते हैं, रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट हो गया, स्वामी विवेकानंद पेंशन हो गया, लीगल गार्जियनशिप हो गया, ये सब सारे गवर्नमेंट स्कीम है, लेकिन हम लोग उन लोगों को दिलवाते हैं।